तो आज है मंडे, हम आए हैं फिर से अपने गांव के शिवालय में। तो दिन की शुरुआत हुई है आज फिर से सोमवार के दिन मंदिर से। आज हमारे गांव में अलग ही भीड़ है क्योंकि आज है यहां 14 तारीख और वोटिंग का डे है। सब लोग लगे हुए हैं, कोई वोट देने जा रहा है, कोई हौसला अफजाई करने के लिए इधर उधर जा रहे हैं, तो लोग लगे हुए हैं वोटिंग के लिए। देखो कुछ लोग अभी भी आ रहे हैं वोट देने के लिए। और मौसम देखो एकदम बढ़िया, वो नीचे आपको नदी के नज़ारे दिख रहे होंगे यहीं से। तो यहाँ चल रही है वोटिंग और गणेश गया वोट देने, बाकी हम दोनों की तो यहाँ वोट है नहीं, बट पूरे कोरोना के जो भी प्रोटोकॉल हैं फुल फॉलो हो रहे हैं। और गांव की सबसे अच्छी बात ये रहती है भीड़ नहीं लगती, अपने हिसाब से लोग वोट देखने आते हैं। तो वोट यहाँ हमारे स्कूल में ही है, तो हमारा पुराना स्कूल ये आज से 20 साल पहले जैसा था सेम वैसे का वैसा ही है ये इलाका। यानी जो पत्थर पुत्थर पेड़ पौड़ जो था सब वहीं पड़ा हुआ है वैसे ही। अब ऐसे बदलना भी क्या ही है, ये तो अचल चीज़ है ये। तो ये हम 3 लोग जाके एक बंदा वोट दे के आया है और ये गणेश प्राउड वोटर, तो इसने यहाँ के MLA का जो इलेक्शन होता है उसमें एक अपना योगदान दिया। पता नहीं इसने नोटा दबाया, बीजेपी दबाया, कांग्रेस दबाया, पता नहीं, क्योंकि जीतने के बाद जो जीतेगा उसको इसने वोट दिया है। वैसे मेरे ख्याल से इसने नोटा दबाया होगा। और ये आया भी बहुत दूर से है, उड़ीसा से आया है वोट देने, वोट बहाना है आया ही तो अपने काम से था। अभी जा रहे हैं वोट देने, अभी हम हटा रहे हैं इस सोलर को, इसको यहाँ से हटा के दूसरी जगह लगाना है। कहाँ लगाना भी दिखाता हूँ मैं। इन दोनों की यहाँ कुश्ती चल रही है, एक दूसरे को कुश्ती के गुण सिखा रहे हैं। ये छोटे वाले को ये बड़े वाला सिखा रहा है कुश्ती के गुण। फाइनली सोलर यहाँ पे लग गया है, तो इसने जब से हमने लिया ये तीसरा स्थान बदल लिया। अब ये तीसरा और फाइनल स्थान है इसका यहाँ पे हमारे कुलदेवता का मंदिर है, तो इसलिए अब से यहाँ पे हमेशा लाइट सोलर के थ्रू जलेगी। क्योंकि जो यहाँ पे बल्ब लगा हुआ था ना, वो बल्ब क्या होता था रात में पाला पड़ने से फट जाता था, तो इस कारण अब परमानेंट जुगाड़ करवा दिया सोलर का, इसकी अच्छी लाइफ है। तो अभी से पूरे गौशाला में भी जो हमारी है यहाँ भी लाइट रहेगी रात भर, और जो ऊपर वाले लोगों की गौशाला है इनके यहाँ भी पूरी लाइट रहेगी। और एक वो सामने ही सोलर है, एक सोलर यहाँ पे है, तो रात के टाइम यहाँ पे पूरा नज़ारा एकदम जगमग जगमग रहेगा, तो इस कारण अब ठीक रहेगा जितनी जो लाइट रहे रात में अच्छा है। तो आज का बस दिन ही तो ऐसे ही गुजर गया मेरा, इधर से उधर। और बाकी सच में इतना दूर कहीं गया भी नहीं जो कुछ ज़्यादा चीज़ें शूट करता। बाकी अगर शूट करने की बात करो तो यहाँ हर एक जगह पे कुछ ना कुछ है ही, और कहीं पे भी खड़े हो जाओ फोटो बहुत मस्त आती हैं क्योंकि पीछे हमेशा नेचर रहता है। तो आज की वीडियो बहुत शॉर्ट ही रखता हूँ मैं, तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू सो मच।